हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम जो है वीडियो लेकर के आए हैं चरणबद्ध शिक्षक बहाली से संबंधित जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। अभी आप लोगों ने जो है एक न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ छपी है, शिक्षा मंत्री के माध्यम से बयान दिया गया है कि जो छूटी हुई नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पर जो है काउंसलिंग जो है थर्ड फेज की नहीं हो पाई थी, वहाँ पर जो है काउंसलिंग की तिथि जो है नई जारी की जाएगी। लेकिन सिर्फ बात इतने से नहीं बनेगी, इसमें एक और रिक्वेस्ट हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग से करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है कि बिहार शिक्षा मंत्री ने जैसा कि कहा है कि थर्ड फेज की जो काउंसलिंग में जो नियोजन इकाइयाँ जो है छूट गई हैं, यानी कि यहाँ पर थर्ड फेज की काउंसलिंग का जो है किसी प्रकार से जो है आयोजन नहीं हो पाया है। जैसे कि जहाँ पे मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ था या कोई अव्यवस्था हुई है या फिर जो है रोस्टर जो है क्लियरेंस नहीं था या अन्य किसी प्रकार के जैसे पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिक्लेरेशन जो है जारी कर दिया गया है कि एक तिथि जो है घोषित की जाएगी जो कि फरवरी में ही हो जाएगा, यानी कि पहले ही जो है फरवरी में जो है मध्य फरवरी तक जो है या उससे पहले जो है कंप्लीट करा ली जाएगी। यहाँ पर एक बात और कहना चाह रहे थे कि जो 50,000 पद बच रहे हैं उन पर भी काउंसलिंग का आयोजन होना चाहिए। यानी कि जब आप जो है तैयारी कर रहे हैं नई तिथि जारी करने के लिए कि काउंसलिंग जो है जो छोटी इकाइयां हैं उनको जो है काउंसलिंग में जो है शामिल कर लिया जाए, वो भी थर्ड फेज की, तो यहाँ पर जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा बिहार शिक्षा विभाग से और बिहार शिक्षा मंत्री जी से, इसके साथ बिहार सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है जितनी नियोजन इकाइयों में अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, यानी कि कुल जो 50,000 पद जो रिक्त बच रहे हैं वो और जितनी भी अभी तक काउंसलिंग जो है स्थगित हो रही हैं या रद्द हो रही हैं, वहाँ पर भी सभी सीटों पर कुल मिला जुला करके कहने का मतलब है कि सभी सीटों पर जो है एक लास्ट अंतिम चरण का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पे 50,000 पद जो बैलेंस जा रहे हैं वहाँ पर भी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ठीक है कैटेगरी के अभ्यर्थी तो मिल सकते हैं ना, बाकी अभ्यर्थी मिलें चाहे ना मिलें, लेकिन आपको वहाँ पे कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है मिल सकते हैं। यानी कि अगर यूआर की सीट नहीं है तो जिस भी कैटेगरी में सीट है उसमें जो है वहाँ पे काउंसलिंग का आयोजन किया जाना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि जब अंतिम चरण एक जो है करवा दिया जाए काउंसलिंग प्रक्रिया का, जिसमें जो है पूरे ऑल ओवर बिहार की जितनी भी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ जहाँ पर भी सीटें खाली हैं सभी का रोस्टर क्लियरेंस करके, यानी कि जो बची हुई सीटें हैं उनका इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए और उस पर जो है एक अंतिम चरण की काउंसलिंग का आयोजन जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है करा दिया जाए, ताकि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी एक बार मौका मिल जाए और उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ सीटें जो बच रही हैं किस कैटेगरी में है किस कैटेगरी में नहीं है। तो ये चाहे तो बिहार शिक्षा विभाग जो है चाहे तो ये हो सकता है और आप लोग इस वीडियो को जो है सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो जो है बिहार शिक्षा विभाग तक जो है पहुँच जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी अभ्यर्थी बच रहे हैं उन सभी को एक अंतिम मौका जो है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है दिया जाना चाहिए, क्योंकि 50,000 पद जो है कम नहीं होते हैं, 50,000 सीटें जो हैं खाली हैं। अभी किसमें खाली हैं किसमें नहीं खाली हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं की भी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कम से कम 3,000-4,000 अभ्यर्थियों की जो है मेरिट लिस्ट वो रहती है, और उसमें से मौका कितने लोगों को मिला है, बहुत कम लोगों को मौका मिला है। क्योंकि जो कट ऑफ है सेकेंड चरण की जो बहाली हुई थी, जो ये आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो सेकेंड फेज की गई थी उसके बाद रोक दिया गया था, तो वहाँ पर जो है थर्ड फेज की काउंसलिंग तो वहाँ नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो है काउंसलिंग का कोई अभी आयोजन किया ही नहीं गया है। इसके विरुद्ध जो है जो थर्ड फेज की जो काउंसलिंग थी वो सिर्फ स्थगित और रद्द हुई नियोजन इकाइयों में हुई थी, तो जो नियोजन इकाइयाँ बच रही हैं वहाँ पर भी जो है थर्ड फेज की काउंसलिंग का आयोजन किया जाना चाहिए, या आप उसको अंतिम चरण की काउंसलिंग भी कह सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल हमें कन्फर्म है कि वहाँ पर अगर अंतिम चरण की काउंसलिंग कराई जाती है बिहार के सभी नियोजन इकाइयों में तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि जो 50,000 पद हैं इनकी संख्या और घट जाएगी, यानी कि और अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो लो मेरिट जो है जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप सभी लोग जान रहे हैं कि चाहे यूआर कैटेगरी हो चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, उसमें जो है अभी तक जो है जो कट ऑफ गया है वो 65 से नीचे नहीं जा रहा है, 65-64 ऐसे ही जा रहा है। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं पे देखने पे मिला है कि 50 या 53 गया है, वो भी फीमेल में या SC ST में गया है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं अभी भी EBC OBC का जो कट ऑफ है या फिर जो है जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 65 से नीचे या 70 से नीचे जो है नहीं जा पा रहा है। तो एक अंतिम चरण में मौका दिया जाना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।